चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे कोरिया जिले की नगर पंचायत खोगा पानी में बनाए गए एक दर्जन से ज्यादा शौचालयों के रखरखावों में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए गए हैं। स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत साल 2017-18 में लगभग एक दर्जन से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया गया था। रखरखाव के लिए लगभग 6.5 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी और क्षेत्र के लोगों ने रखरखाव नहीं होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकी ये गंदगी की सवाल, तो गंदगी है बहुत सारी जगह, अभी शायद टेंडर भी खत्म हो चुका है, मैडम ने कहा भी कि टेंडर खत्म हो चुका है, तो बहुत सारे जगह पे अभी नगर पंचायत सफाई करवा रही है और मेंटेनेंस का कार्य भी चल रहा है। अभी सुनने में आया था कि जिस जगह पे अभी पानी टेंकरों से आता था वहाँ पाइप लगाया जाएगा वहाँ, लेकिन बहुत सारे, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर पिछले कार्यकाल में सही जगह बना होता तो आज उसका यूज होता। जनता के घर में करने के बाद इसलिए बनाया गया, सार्वजनिक जो मतलब पब्लिक जो बाहर जाती थी, सरकार ने उसलिए इस समय बनाया था कि जैसे जिसके घर में नहीं है शौचालय तो पहले शौचालय को आउट एरिया में बनाया गया, ठीक है, उसके बाद लोगों के लिए घर घर में बनाया गया। तो लोगों ने आजकल क्या है कि उसमें कुछ लोगों ने शौचालय जो अपना घर पे रखा है बना के उस पर यूज नहीं करते हैं और जो बाहर जाने की इच्छा रखते हैं वो उसमें जाते हैं। इसके लिए हम लोग जनता को हर तरीके से जागरूक भी करते हैं कि वो नुकसान ना करे, लेकिन अगर यहाँ पर ये स्थिति है खोगा पानी में कि आए दिन शौचालय में पत्थर डाल देंगे, आज कमोड़ लगा है दूसरे दिन मार देंगे, सीट तोड़ देंगे, और अभी मैं कई जगह सीट मोटे सीट लगवा रही हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री और